महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य ग्रंथ है और जिसे भारत का सबसे ऐतिहासिक ग्रंथ कहा जाता है, जिसे धर्म और अधर्म के बीच हुआ सबसे बड़ा युद्ध बताया जाता है महाभारत। फ्रेंड्स, क्या आपको लगता है कि सच में जो है महाभारत का युद्ध हुआ था और गाइस जो है सच में कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ था? आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको भाई जरूर से लगने लगे, क्योंकि फ्रेंड्स तुम्हारा भाई जो है 7 ऐसे सबूत लेकर आ चुका है जिसने गाइस ये प्रमाणित कर दिया है बिल्कुल सही तरीके से कि जो महाभारत का युद्ध है वो गाइस रियलिटी के अंदर हुआ था। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को, एनी वेस्ट ऑफ टाइम, लेट्स बिगिन। महाभारत का जो पहला एविडेंस आता है वो है गाइस कुरुक्षेत्र की लाल मिट्टी। यस फ्रेंड्स, आपको ये तो पता होगा कि महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो कुरुक्षेत्र के अंदर हुआ था और गाइस वहाँ पर जो है वहाँ की जो मिट्टी है वो जो है गाइस पूरी खून से सन चुकी थी, इसलिए गाइस वहाँ की जो मिट्टी है उसका जो रंग है वो गाइस बिल्कुल लाल हो चुका था। और गाइस अभी जो कुरुक्षेत्र है हरियाणा के अंदर स्थित है और गाइस यहाँ पर जो है मिट्टी जो है उसका कलर बिल्कुल गाइस लाल है। और गाइस इस मिट्टी के कलर को देखकर जो पुरातत्व विभाग है उन्होंने भी माना है कि यहाँ पर जो है महाभारत का युद्ध हुआ था और ये जो है सबसे पहला सबूत है महाभारत के सच होने का। अब चलते हैं अपने सेकंड एविडेंस के ऊपर। अपना जो सेकंड एविडेंस है वो है गाइस अर्जुन का चक्रव्यूह। अगर फ्रेंड्स आपने महाभारत देखी है तो उसके अंदर आपने अर्जुन के चक्रव्यूह के बारे में जोर से सुना होगा, लेकिन फ्रेंड्स आज के जमाने के अंदर भी जो अर्जुन का चक्रव्यूह है उसका भाई जीता जागता सबूत है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के 16 सीएनडी धार के नीचे बसा राजनोट गांव जो है वो ऐतिहासिक रूप से बहुत ही प्रमुख है और ये जो है काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि फ्रेंड्स यहां पर जो है अज्ञावास के दौरान पांडव रुके थे और फ्रेंड्स यहां पर जो अर्जुन है उसने चक्रव्यूह का ज्ञान प्राप्त किया था जिससे कि फ्रेंड्स इसने पत्थर के ऊपर क्रिएट करा था। तब गाइस यहाँ पर अर्जुन ने जब उसको पत्थर के ऊपर क्रिएट करा था वो गाइस अभी भी वहां पर बना हुआ है और गाइस इसके अंदर जो है जाने का रास्ता तो आपको आसानी से मिल जाएगा, लेकिन जब बाहर आने की बात आएगी तो गाइस यहाँ पर आप असफल हो जाओगे, क्योंकि वो जो एक चक्रव्यूह है उसके अंदर जो बाहर आने का रास्ता है वो गाइस बिल्कुल भी आपको पता नहीं चलेगा। और गाइस ये जो जगह है जहां पर गाइस ये चक्रव्यूह है इसे गाइस पीपल किले के नाम से जाना जाता है। अब गाइस इस एविडेंस से भी ये चीज प्रूव होती है पांडव थे, इट मींस गाइस महाभारत भी थी और गाइस जो महाभारत का युद्ध है वो सच में हुआ था, तब भी आपको यकीन नहीं होता। हम चलते हैं अपने तीसरे एविडेंस के ऊपर। अपना जो तीसरा एविडेंस है वो है गाइस श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी। यस फ्रेंड्स, आपको पता होगा श्री कृष्ण जो थे वो द्वारिका के अंदर राजा थे और वहां पर वो राज करते थे, लेकिन फ्रेंड्स जैसे कि महाभारत के अंदर ये चीज कही गई है कि जो द्वारिका है वो समुद्र के अंदर डूब जाती है, सच में जो है गुजरात के पास जो समुद्र है उसके अंदर एक पूरी नगरी पाई गई है और उस नगरी को गाइस जब पुरातत्व विभाग ने उसके ऊपर रिसर्च करी तो उन्होंने इसको गाइस द्वारिका कहा है। और गाइस ये जो द्वारिका नगरी जो पहले गाइस पानी के अंदर डूब गई थी वही गाइस ये नगरी है। तो गाइस इससे ये चीज पता चलती है कि जो महाभारत है उसमें जो कहानी कही गई है वो सच है और महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो भी गाइस सच में हुआ था। अब गाइस हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एविडेंस के ऊपर। अपना जो गाइस चौथा एविडेंस होने वाला है वो है गाइस लाक्षाग्रह। अब गाइस ये क्या है, इसने भी गाइस जो है महाभारत के अंदर काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि जो कौरव थे वो पांडवों को मारना चाहते थे तो उन्होंने गाइस लाक्षाग्रह का निर्माण कराया ताकि वो पांडवों को जलाकर मार सके, लेकिन फ्रेंड्स यहां पर जो है जो सीक्रेट सुरंगें थी जिनके वजह से गाइस जो है पांडव जो है वो बाहर निकल जाते हैं एंड फ्रेंड्स यहां से बच जाते हैं। अब गाइस मैं आपको बता दूं ये जो सीक्रेट गुफाएं हैं यानी कि जो सीक्रेट सुरंगें हैं ये गाइस सच में है और गाइस ये जो है उत्तर प्रदेश के बर्रावा नामक स्थान के ऊपर पाई गई है। तो इससे भी ये चीज प्रमाणित होती है कि सच के अंदर जो महाभारत है वो जो गाइस सच्ची घटना है। अब गाइस हम बढ़ते हैं अपने अगले एविडेंस के ऊपर। अपना जो पांचवा एविडेंस होने वाला है वो है गाइस घटोत्कच का कंकाल। यस फ्रेंड्स, कुरुक्षेत्र के पास ही जो भारतीय पुरातत्व विभाग है उसने गाइस खुदाई के दौरान जो एक बहुत ही बड़ा कंकाल पाया है और गाइस कहा जा रहा है ये जो बड़ा कंकाल है जब इसके ऊपर रिसर्च करी गई तो गाइस ये जो कंकाल है ये गाइस घटोत्कच का कहा जा रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स जो घटोत्कच था वो गाइस महाभारत के अकॉर्डिंग उसका जो कंकाल था वो बिल्कुल उसी स्ट्रक्चर के अंदर जो कंकाल है वो मिला है और उसकी जो साइज है वो भी गाइस महाभारत के अंदर बताई गई है उससे ही मिलती है। ये जो घटोत्कच था ये गाइस भीम और हिडंबा का पुत्र था और गाइस ये जो है महाभारत को लड़ने के लिए आया था, लेकिन फ्रेंड्स कर्ण ने जो है अपनी शक्तियों से इसे मार दिया, उसी का जो कंकाल है वो गाइस यहाँ पर खोजा गया और गाइस ये चीज भी प्रूफ करती है कि जो महाभारत थी वो सच में हुई थी। अब गाइस बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एविडेंस की तरफ। अपना जो नेक्स्ट यानी कि जो छठा एविडेंस होने वाला है वो है गाइस केदारनाथ और पशुपतिनाथ के मंदिर। अब गाइस मैं आपको बता दूं जब गाइस जो पांडव थे उन्होंने गाइस जो है महाभारत युद्ध के दौरान जो है अपने जो रिश्तेदार थे उनका खून बहाया था तो शिवजी जो उनसे नाराज हो गए थे और गाइस जो श्री कृष्ण थे उन्होंने गाइस पांडवों को कहा कि आप जो है शिवजी से माफी मांगो
तो गाइस जो है पांडव ऐसा ही करते हैं और गाइस वो जो है शिवजी से माफी मांगने के लिए चले जाते हैं, लेकिन शिवजी जो होते हैं गुप्त काशी से दूसरी जगह पर चले जाते हैं जिसे गाइस अभी के टाइम में केदारनाथ कहा जाता है। अब गाइस यहां पर जब शिवजी चले जाते हैं जो पांडव होते हैं वो भी गाइस गुप्त काशी से इस लोकेशन के ऊपर आ जाते हैं। जब गाइस पांडव यहां पर पहुंचते हैं उससे पहले ही जो गाइस शिवजी जो होते हैं भगवान शिव जो होते हैं वो जो है गाइस भैंस का अवतार ले लेते हैं और गाइस वहां पर जो है पास में एक भैंस का झुंड होता है जिसके अंदर चले जाते हैं। उसके बाद में गाइस जो पांडव होते हैं वो वहां पर पहुंचते हैं और गाइस वो जो है उन भैंसों के बीच में से भगवान शिव को पहचान भी लेते हैं, लेकिन जब तक वो पहचानते हैं उस कंडीशन में जो भगवान शिव होते हैं वो जो है इस भैंस के अवतार में ही जमीन के अंदर सवाने लगते हैं। और ये चीज जब भीम देखता है तो वो अपने बल के थ्रू गाइस जो शिव जी को रोकने में सक्षम हो जाता है और उसके बाद में गाइस जो शिव जी हैं वो अपने रियल अवतार में आते हैं और गाइस पांडवों को माफ कर देते हैं। अभी गाइस मैं आपको बता दूं उस टाइम पे जो शिव जी जो थे उनका जो आधा शरीर था वो गाइस केदारनाथ के अंदर चला गया था और जो आधा शरीर बचा था जो ऊपर वाला वो गाइस वहीं पर रह गया था। जो शरीर गाइस केदारनाथ के अंदर गया था उसी को गाइस अभी केदारनाथ कहा जाता है और गाइस जो ऊपर जो गाइस भैंस वाला मुंह उनका बच गया था उसे ही गाइस पशुपतिनाथ कहा जाता है। और गाइस ये जो है महाभारत की दो एविडेंस है जिनसे ये चीज का पता लगता है कि जो महाभारत है वो सच के अंदर हुई थी। अब गाइस हम बढ़ते हैं अपने लास्ट एंड फाइनल एविडेंस के ऊपर। अपना जो सातवां एविडेंस है वो है गाइस महारथी कर्ण का अंग मैल। तो गाइस आपको पता होगा कुंती के जो सबसे बड़े पुत्र थे दानवीर कर्ण वो जो है अंग देश के राजा थे और गाइस उन्हें जो है दुर्योधन ने जो है उपहार के रूप में अंग राज्य दिया था। वो जो है अंग देश के ऊपर राज करते थे। अभी भी गाइस पुरातत्व विभाग ने इस देश को ढूंढ लिया है और गाइस इसे जो उत्तर प्रदेश के अंदर घोड़ा जिले के नाम से जाना जाता है। और गाइस मैं आपको बता दूं जो जरासंध थे वो भी गाइस अपने राज्य के कुछ हिस्सों को गाइस कर्ण को देना चाहते थे और गाइस वो जो हिस्से हैं वो गाइस अभी के टाइम बिहार के अंदर मुंगेर और भागलपुर नाम के जिलों से जाने जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये एविडेंस भी ये प्रूफ करते हैं महाभारत का जो ये युद्ध हुआ था ये सच के अंदर हुआ था। वैसे इन एविडेंस से आपको क्या लगता है कि सच में जो महाभारत का युद्ध था वो हुआ था या नहीं हुआ था? आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जोर से बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ वापस। बाय एंड टेक केयर।